सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जीदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनि करोमि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया त्वैव सेनाभ्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टवचन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यादेवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ॐ जारी नाम विदेता देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम चे जयन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखमयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते दयाग्रस्तायिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते। रोगानशेषानपहंसदुष्टा हृष्टादुकामान सकलानवेषा वामाश्रितानां न विपन्नराणां वामाश्रिताया जयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भिर्विराजनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु श्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारणि विनागधारणि चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपाचिताचिति सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणि
अनंता वावणी भव्या 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 सदा गति शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधारा कलमञ्जीरञ्जनी अमे विक्रमाक्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्यानुबुद्धिरा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुंभ शुंभ हरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकेतव हंस चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च केशरी युवती जति अप्रणा चैव प्रौढा च वृद्ध माता फलप्रदा मोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायमयमस्त्रिनमेव च चतुर्वर्गं ददा चान्ते लवेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्वया भक्त्या पठे नाम शताश्रकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्तरेण विलक्षयन्त्रं विलीना विलिख्य भवे सदा धार्यते पुरारि भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे षड्विषां गते विलख्य प्रभणे स्तोत्रं सवे सम्बलाम्बलम् इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभचण्डः चामुण्डा देवता अङ्गण्यासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्च
चंडिकाये मार्कण्डेयवाच ॐ जलगुह्यं परमलोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्नकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने रथमञ्जलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दपादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे एकमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता नाथ चां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नावलं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशि रक्ष्यते दानसञ्चया प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासन ऐन्द्रियगैतमारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सुखवाहना लक्ष्मी परमासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाया नानारत्नापशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च वृन्दायुधं त्रिशूलं च चारणमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्याजुधानित्वं देवानां च हिताय मे नमस्ते सुमारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेख्य शत्रूणां भयवर्धने काचारज्यतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणावरुवाराहि नैरित्थं खड्गधारणे प्रतीचां वारुणी रक्ष वायव्या मृगवाहिनी उदीचां पादुकौमारी एषायां जूलधारणि ओत्रं ब्रह्मायिने रक्ष वरस्तावैष्णवी तथा एवं दर्शजो रक्ष चामुण्डा च ववाहन जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृच्छता हरिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता श्रीकामुद्योगनी रक्ष उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालारलीललाटे च भुव रक्षेतुजस्वनि त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणी चक्षुजोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपालो कालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका आदरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी घण्टदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च दालुके कामाक्षी सुखं रक्ष्य वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्चतनुर्धरि नीलग्रीवा वही कण्ठनलिकानलगोभरि स्कन्दया गणगणी रक्ष्य बाहु मे वज्रधारणि हस्तया दण्डनी रक्ष्य अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जुलेश्वरी रक्ष्य कुख्या रक्ष्य कुलेश्वरी
करो रक्षण महादेवी मना जोर बिना जने हृदय ललिता देवी उदरे जोर धारणी नाव जगामनी रक्ष गुयं गुहेश्वरी तदा भूतना कामि काम्यटं गुदे महिर्वाहिनी कर्यां भगवती रक्ष जाननी विन्दवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठदुदयति पादाकुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नकागच्छाकराले च केशाञ्चैवोद्धृगेजनि रोमकोपे च कोपेरि ध्वजा भागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसाधर्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालराते च वित्तं च मुकुटेश्वरि पर्मावलिपसङ्कोचे कभे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां शक्रेश्वरि तदा अहङ्कारमणोवर्त्य रक्ष मे धर्मधारणि प्राणाबाणो तथा व्याणं मुदाणं च समानकम् वज्रहस्ताद मे रक्ष्य प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य रजोगणि सत्त्वमृजस्तमश्चैव रक्ष्य नारायणे सदा राजो रक्षतु वाराये धर्मं रक्षतु वैष्णवी जगाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षैरवि बन्धानां सुबला रक्ष मार्गं हेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु जसानं वर्जितं कवचेनतु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती वामनाशिनि परमेकं न गच्छतु जदिच्छेषु आत्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रातलावच्च विजया सर्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तन्दं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेषु पराजितः हे लोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनाहृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् जाप्रयेतरयो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धाविदः देवी कला भवेतश्च त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवे वर्षशलं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि चद्विषम् अवितारानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराखे च राजैव जलजाचोपदेशिका सजाकुलजामाला डागणीशागणि तदा अन्तरिक्ष जरागोरा डागिन्न च महाबला यभूतपिशाचा च यज्ञगन्धर्वराजिता ब्रह्मराक्षसवेतालः कुर्मणावैर्वादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेरिसंस्थिते मानोनिपिभवेराख्यं तेजोवृत्तिकरं परं यजुता वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डे कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते च शैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मे निण्ड्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं जीवेन सह मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य
विष्णु ऋषि अनुष्टुभ चंदा श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा श्रीधरे सप्तशती बाणागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतासि हारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकैटभविद्रापि विधात्रीवरे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि महिषासुरनिर्णाजे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविराजनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि शुम्भस्यैव शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च वर्धनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि वन्दिताङ्गी सुखे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि न देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुवद्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चण्डिके सततं जयत्वा मर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि दुष्कामनाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि सुरासुरशिरोरत्नानिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि कृष्णेण संस्तुते देवि सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि इन्द्राणी मधुसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि देवी भगजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि पर्णि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणि कारणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर साधु सप्तशति सङ्ख्या परमापनोति सम्पदाम् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं
सप्तशतिपाणाङ्गत्वेन जप विनियोग ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्ड उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाहाप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्गदारिणे सर्ववेदधियानीय मन्त्राणामभिकीलकम् स्वविषयमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुराजनाजेने वस्तूनि सकलानपि एतेन सुभदां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामङ्कोणौषधं तत्र न किञ्चिद् विविद्यते विना जाप्येण सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायासु तच्च गुप्तं च कारत समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां च सामीनियन्त्रणम् स्वविषयमवाप्नोति सर्वमेवं न संशया कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटं सा सिद्धाता गणादपि गन्धर्वो जायते नर न चैवापर्दस्तस्य भयं वापि अजायते नावमृत्यो वशं जाति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् यत्त्वा प्रारभ्य गुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देवति सौभाग्यादिजगकिञ्चिदृश्यते ललनायुणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् क्षणेषु जाप्यमाणे स्वस्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्य ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते स न किञ्जनै श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुरमर्दनी स्तोत्रम् आयि गिरिनन्दनि नन्दितमे विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दधिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि सुनुते भगवति हे चिति कण्ठकुटुम्बनि भूरिकुटुम्बनि भूरिचिरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि गण जन राजन दुर्मद शोजन जय जय हे महिषा दुर्मर्दन्यक आई जगरम्ब मरम्ब करम्ब मन पेवादन शिखरि शिरोमणि माल मधुरे मधु कैडव गञ्जनि कैडव भञ्जनि रात जय जय हे महिषा
Come on.
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।
जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्म प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पदम एकम न गच्छे तु जदिच्छे शुभ मात्मना कवचे नाभ तो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सार्व कामिका जन जन चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मदलम प्राप्त भूतले भुवान निर्भयो जायते मर्त्या संगामेश्वर प्रायता ते लोक के भवित पूजा कवचे नाभिता भुवान इदं तु देव्या कवचम देवा नामी दुर्लभम जा पठे प्रयतो नित्यम तिसंध्यम श्रद्धान्यता देवी कला भवित तस्य ते लोकेश्वर प्रायता जीवे वर्ष शतम सागम अब मृत्यु वर्जिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, अर्थात कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का जय कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलें, यात्रा करें। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है
और तब माता जी ने हमारी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया, मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। प्राचीन काल में स्वारो जिसमंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था और वह अपनी प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उनकी शत्रुता कोलाभध्वंसी क्षत्रियों से हो गई। उनके साथ उनका युद्ध हुआ। यद्यपि कोलाभध्वंसी क्षत्रिय संख्या में कम थे, फिर भी राजा उनसे पराजित हो गए और समस्त भूमंडल पर से उनका अधिकार जाता रहा, अर्थात वो केवल अपने ही राज्य में राज्य करने लगे। वहां पर भी उनके मंत्रियों ने उनका जो कोष था वो खाली कर दिया। इससे राजा चिंतित हुए और एक दिन अनमने मन से वह राजा सुरथ, जिनका प्रभुत्व पूर्णतया नष्ट हो चुका था, घोड़े पर बैठ करके वन में चले गए। वहां उन्हें सुमेधा ऋषि का आश्रम देखा। वहां सभी हिंसक प्राणी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ करके शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के शिष्यगण आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां राजा के जाने पर मुनि का आदर सत्कार किया और वो वहां पर रहने लगे। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उनका मन अनायास ही अपने राज्य की ओर चला गया और ममत्व भाव से चिंतित होकर वे सोचने लगे कि मेरा राज्य से छिना जा चुका है, पता नहीं मेरे मित्रगण उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं। मेरा वे शूरवीर हाथी जो सदैव मत रहता था, अब निश्चय रूप से वो दुखी होगा। मेरे जो मित्रगण मेरे कोष को खाली कर दिया होगा। वे व्यक्ति जो धन पाने की इच्छा से मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो निश्चय रूप से अब दूसरों का अनुसरण करते होंगे। इस प्रकार के कई ममत्व भाव राजा के मन में आ रहे थे। तभी उन्होंने एक वैश्य को वहां देखा और उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं और क्यों चिंतित हैं। उस वैश्य ने विनीत भाव से कहा कि महाराज, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ और मेरे ही स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में आकर के मेरा धन छीन करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए मैं चिंतित हूँ, परंतु फिर भी मेरा मन उन्हीं की ओर लगा रहता है कि वो दुखी हैं अथवा सुखी हैं, सदाचारी हैं अथवा दुराचारी, पता नहीं क्यों जिन्होंने धन छीन करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं उनके प्रति सोचता रहता हूँ। राजा कहने लगे कि वह स्त्री पुत्र भाई बंधु जिन्होंने आपको जो धन के लोभ में घर से बाहर निकलिए जो लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। वैश्य ने कहा कि महाराज, मैं ऐसा नहीं जानता। तब सभी जो दोनों थे वो सुमेधा ऋषि की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, क्या कारण है कि यदि मैं जानता हूँ कि मेरा राज्य मुझको प्राप्त ही होता होगा, मैं उसी के प्रति सोचता रहता हूँ और ये समाधि वैश्य भी जिसको घर वालों ने धन के लोभ में निकाल दिया है, ये उन्हीं के प्रति चिंतित रहता है, ये क्या कारण है। उस समय सुमेधा ऋषि उनको उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। ये भवती महामाया बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदयों को भी बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं। हम भक्तों की बात ही क्या है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोह में पड़ करके पुनः पुनः संसार में जो आया करते हैं। यही हमको विद्या देने वाली है, यही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए आप इन्हीं भवती की शरण में जाओ, इन्हीं ने सारे जगत को मोहित कर रखा है। पहले ही हम मोहित हुए हैं, आगे भी होंगे और अभी हो रहे हैं, इसलिए आप इनकी शरण ग्रहण करो। दोनों ने सुमेधा ऋषि को प्रणाम किया और वन में वो तपस्या के लिए चले गए। वहाँ नदी के किनारे उन्होंने माता की मिट्टी की मूर्ति बनाई और धूप दीप होम से दुर्गा माता की आराधना कर लिए। देवी सूक्त का पाठ करते हुए वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार को कम किया और फिर पूर्णतया निराहार रहते हुए अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए वो वहाँ पर हवन करते हुए माता जी की आराधना करते रहे। इस प्रकार 3 साल के पश्चात माता जी उन पर प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य, आपके मन में जो भी मनोवांछित कामना हो आप वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा कि महारानी, मुझे अगले जन्म में भी नष्ट न होने वाला जो राज्य प्राप्त हो और इस जन्म में मुझे राज्य प्राप्त हो। और समाधि वैश्य जिनका जो मन संसार से विरक्त हो चुका था, उन्होंने मोक्ष लिए ज्ञान का वरदान मांगा। माता ने कहा कि राजन, आपको पुनः राज्य प्राप्त होगा और फिर आप भगवान सूर्य के अंश से सार्वनिक मनु होंगे और समाधि वैश्य आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देख रहे माता जी उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के अंतर्धान हो गई। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है, हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एक पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनि के धाम में
माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी वादी काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं। आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपरा के तीन स्वरूप, अन्य के चरणों से गंगा स्नान कराती, परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, भटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शिरवली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, हो तेरिया चरनाच मेरी अरदास माता, तेरिया चरनाच मेरी अरदास माता, के हर पल बने रवे मेरा विश्वास माता, के हर पल बने रवे विश्वास माता, के हर पल बने रवे मेरा विश्वास माता, के हर पल बने रवे मेरा विश्वास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, हो तेरे चरनाच मेरी अरदास माता, तेरे चरनाच मेरी अरदास माता। काली की बात देवी है, सभी भक्त हाथ उठो टाग माता को हाथ देंगे और उनका बोलेंगे फिर कर जय माता। वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है,
ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਭਵ ਪਾਰ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ
तेषां नित
के प्रेम में
जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए
पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, अपनी दया का हाथ देना हो तो आगे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म गाजा। जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय।
सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान Oh,
तेरी सदा करा श्री रामवारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातर भजामि भजताम अभिलाषदात्री धात्री समस्त जगताम दुरिताप हंत्री संसार वंदन विमोचन हेतु भूता मायां पराम समदिगम परस विष्णु सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाई शुभ संबत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज शुभ संक्रांति है। आज सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आज से होलाष्टक भी प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज अष्टमी तिथि है। गुरुवार तदनुसार 14 मार्च 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज अष्टमी के दिन चैत्र शुभ संक्रांति को माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज की ये चैत्र शुभ संक्रांति सभी भक्तों के लिए मंगलमयी एवं शुभदायी हो। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्रानाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठा भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे मैया जय श्यामारौरी मैया जय मंगल कर मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांगत दूर विराजत श्री को मृग मत को मैया जी को मृग मत को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना गंग बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी तुर नर गुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाता के मोती हो मैया नाता के मोती कोटि
पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आवे बेला जय माता दी, दादा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बुलंदी जय माता दी, कष्ट कटानी जय माता दी, मेरा सती जय माता दी, झोलिया भरती जय माता दी,
ਖਰੇ ਖਜਾਨੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਕੋਲਾਣੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਬੋਦਾ ਵਸੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜੈ ਜੈ ਨਮਾਦਾ ਦਾ ਲਾਲ ਨਿੰਦੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਨਮਾਦਾ ਜੈ ਪੁੱਤੀ ਬੋਲੋ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਲਾਟਾ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਗੋਸਾ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾਣੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਜੱਟਲਿਆਣੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਰਾਣੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਸੁੱਤੀ ਰਾਣੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਬੱਕਰ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਈਆ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਗੌਰਤ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਬਰੇ ਖਜਾਨੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਸੋਲਾ ਆਣੇ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਕਰ ਕਵੀਵਾ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਨਮਾਦਾ ਦੇ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਜਾਦਨ ਕੰਬੇ 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 ਜਾਦਨ ਕੰਬੇ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਜਾਦਨ ਕੰਬੇ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਜਾਦਨ ਕੰਬੇ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਜਾਦਨ ਕੰਬੇ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਬੱਚਿਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸਭੀ ਸਭੀ ਭਕਤਿਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲੇ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲੇ ਸਿਵੇ ਸਰਵਾਰਥ ਸਾਧਿਕੇ ਸਿਵੇ ਸਰਵਾਰਥ ਸਾਧਿ ਸ਼ਰਣੇ ਤ੍ਰੰਬਕੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ਰਣੇ ਤ੍ਰੰਬਕੇ ਗੌਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਦੀਨਾਥ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਦੀਨਾਥ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣ ਪਰਾਇਣੇ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣ ਪਰਾਇਣੇ ਸਰਵਸਿਆਰਥਿ ਹਰੇ ਦੇਵੀ ਸਰਵਸਿਆਰਥਿ ਹਰੇ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਸਰਵਸਰੂਪ ਸਰਵੇਸ਼ੇ ਸਰਵਸਰੂਪੇ ਸਰਵੇਸ਼ੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤਿ ਸਮਨ੍ਵਿਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤਿ ਸਮਨ੍ਵਿਤੇ ਭਵਸ੍ਰਾਹਿਣੋ ਦੇਵੀ ਭਵਸ੍ਰਾਹਿਣੋ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗੇ ਦੇਵੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਦੁਰਗੇ ਦੇਵੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਸਰਵੇ ਭਵਂਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵਂਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇ ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಅಭಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಮಹಾರಾಜ आरती प्रारंभ करते हैं। सभी वक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता। ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਿਆਣ ਪੈਰ ਤੋਂ ਚਟਕੜੇ ਜੋ ਕਰ
कामनाएं आशीर्वाद इस विशेष दिन माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजिरी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो दरबार की जय। बस यही क्या आपको जूसी करें, अच्छा लगता है
आपको आरती का आनंद नहीं आया, तो पूरे जोश से बोला कीजिए, पूरे जोर से बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय माता दी। नहीं खिलाने समान ऐसे नहीं बोलते, ये प्रसाद होता है गरीब से, सारे खाते हैं तो ये थोड़ी बोलते है, ये तो अंगूर है, ये वाला
ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ।